एक्सपर्ट्स की आज की स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी ले समझ लेते हैं। स्वामी बताएं आज कैसे ट्रेड करेंगे, कहां नजर होगी? जी आज की तो मैं बात इंट्राडे के लिए जैसे मार्केट ओपन होगा फिर उसी तरह से करेंगे, क्योंकि यूएस मार्केट भी आज छुट्टी पे है तो माइट बी वॉलिटिलिटी थोड़ी सी कम हो, लेकिन मैं कहीं ना कहीं डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना चाहूंगा। उनमें से पहला जो मेरा पिक है वो है जेंसा टेक। देखिये जेंसा टेक अभी रिसेंटली एक अपना प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करके सस्टेन हो रहा है। प्रीवियसली रेजिस्टेंस था उसका नियर बाय 245-250, स्टॉक करंटली चल रहा है 267 के करीबन और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी यहां पे अच्छी तरह से सपोर्ट लिया हुआ है, तो बिल्कुल मैं यहां पे बाय करना चाहूंगा करंट मार्केट प्राइस पे। 330 का मेरा पहला टारगेट रहेगा और 365 का दूसरा टारगेट रहेगा। 230 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा वैभव ग्लोबल। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मल्टीपल बॉटम जैसा फॉर्मेशन हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस बना है, इनसाइड बार का ब्रेकआउट भी आया हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशनल रहूंगा। 323 प्रीवियस क्लोजिंग है, आप वेट कीजिए 327 से 330 की लेवल जो है वो सस्टेन होने का। जैसे ही ये लेवल सस्टेन होगी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट होगा। जो टारगेट मेरे लिए दिख रहा है वो है 403 एंड 440, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 287 का। ठीक है, तो ये आपकी रिकमेंडेशन होगी। ठीक है, चलिए तो दो कॉल्स इस वक्त वैभव ग्लोबल खरीदारी की और साथ ही आईटी सेक्टर पर भी सुमित का भरोसा कायम, जिंजा टेक्नोलॉजीज पर खरीदारी की राय। रत्नेश आप बताएं आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज, क्या खरीदारी की ही होंगी कॉल्स आपकी तरफ से भी या फिर खरीदारी और बिकवाली दोनों की राय दे रहे हैं आप, कौन से सेक्टर्स हैं आपके रेडार पर? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कमेंट्री में कि मिड कैप पे हमको ध्यान देना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा बाजार में, इंडेक्स को नहीं छोड़ते हुए नहीं छेड़ना चाहिए हमको, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले जेबीएम ऑटो पे एक मैं जाना चाहूंगा। इसमें आप वीकली चार्ट देखेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है, इसने अभी भी जितनी भी बाजार में थोड़ा बहुत जो भी हमको करेक्शन देखने को मिला है, इवन के मिड कैप इंडाइसेस में करेक्शन देखने को मिला, इसमें ओवरऑल इसका आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है जेबीएम ऑटो इंट्राडे के हिसाब से भी और होल्डिंग के हिसाब से भी दोनों हिसाब से इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इंट्राडे का स्टॉप लॉस रहेगा 535 का और इसका टारगेट रहेगा 580 रुपए का। इसके अलावा मुझे अब ऐसा लगता है कि जब भी मैं शो में रहता हूँ मैं ऐसा बोलता हूँ कि आईटी स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है कि एक बॉटम आउट हो चुका है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्रेजुअली भले ही स्टॉक धीरे धीरे चले पर अब ऐसा लगता है कि आईटी स्टॉक से हमको सपोर्ट मिलेगा, तो उसमें सबसे पहले एक लिंडे इंडिया मुझे काफी अच्छा दिखता है। इसमें आप डेली चार्ट देखेंगे तो राउंडिंग फॉर्मेशन बना है और एक अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको इसमें देखने को मिली लास्ट दो तीन सेशन में, तो लिंडे इंडिया में 3685 का स्टॉप लॉस लगा के 3850 का टारगेट लगाना चाहिए। और इसके साथ में एक और स्टॉक रहेगा जो भी वो भी आईटी से ही एम्फेसिस का भी अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो इसमें एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, राउंडिंग फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और वॉल्यूम एक्टिविटी भी इसमें हमको काफी अच्छी देखने को मिली है। हम देखेंगे इसमें 16 तारीख के सेशन में काफी एक अच्छा वॉल्यूम हुआ, उसके बाद में 16 तारीख को थोड़ा सा कंसोलिडेशन करा और मुझे फिर ऐसा लगता है कि आज या दो दिन में वापस से चलने को तैयार है, तो 2203 का स्टॉप लॉस लगा के 2300 के टारगेट के लिए, तो ये तीन स्टॉक मेरे हिसाब से इस पर नजर रखना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, तो ये आपकी रिकमेंडेशन, स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, बाय रिकमेंडेशन, तीन स्टॉक्स आप दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिस